सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, घर के किसी भी कॉर्नर को या फिर यूं कहूं अंडर द बेड स्टोरेज को अगर क्लीन करने का, ऑर्गेनाइज करने का जो टाइम है, जो सबसे सही टाइम है, वो आजकल का टाइम है। यानी कि इस टाइम जैसे विंटर जा रही हैं और समर्स आ रही है, तो इस टाइम पर हम अपने वुलन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने वार्डरोब को चेंज करते हैं और अपने अंडर द बेड जो है स्टोरेज उसको भी ठीक से ऑर्गेनाइज करते हैं और जो डिस्कार्ड करने वाला सामान होता है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में यही सब कुछ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अब बेड के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ, अपने वुलन्स को किस तरीके से स्टोर करती हूँ, साथ ही साथ जो डिस्कार्ड वाला सामान है उसको किस तरीके से डिस्कार्ड करती हूँ, क्योंकि डिस्कार्ड करने का भी एक प्रोसेस होता है, तो किस तरीके से डिस्कार्ड करती हूँ और उसके बाद में अपनी वार्डरोब को या अपनी जितनी भी अलमीराज हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ समर्स के लिए, वही आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर कहीं पर कुछ भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अच्छे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, मेहनत और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो चलिए, आशा करती हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे अगर कहीं पर कुछ भी अच्छा लगेगा तो। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ में अपने दोनों बेड, यानी कि मेरे यहाँ दो बेडरूम हैं, तो दो बेड हैं डबल बेड और दोनों ही स्टोरेज वाले हैं, उन सबका स्टोरेज मैं आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला नियम और सबसे ज़रूरी नियम, सारे बेड मैंने खाली कर लिए हैं पूरी तरीके से और सामान को ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर बाहर यहाँ वहाँ डाल दिया है, क्योंकि सबको छांटना पड़ेगा कौन सा किस जगह का है। उसके बाद में मैंने लिए हैं इस तरीके के वैक्यूम बैग। ये वैक्यूम बैग मैंने 2 साल पहले मंगाए थे और तब से मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, और जब गर्मियाँ आती हैं तब इसमें विंटर के कपड़े रख देती हूँ, और जब विंटर स्टार्ट होते हैं तो समर्स के कपड़े इसके अंदर मैं स्टोर करके रख देती हूँ। इस तरीके से हमारे जो समर्स के कपड़े हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं और कम जगह में बहुत सारे कपड़े हमारे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये वैक्यूम बैग का। इसके अंदर जितने भी कपड़े लगाने हैं वो अच्छे से फोल्ड करके तय करके इसको मैं लगा दूंगी इसके अंदर, और यहाँ पर जो इसके ऊपर का पोर्शन होता है उसको सील करना होता है हाथ से, हाथ से पुश करके दबा करके अच्छे से इसको सील कर देंगे। उसके बाद में ये एक पंप है, पंप की हेल्प से इसको हम इसके अंदर एयर जितनी भी है इसकी निकाल देंगे, और यहाँ पर जो एक लॉक दिया है यानी कि एक लिड दिया है, उस लिड को हम इस तरीके से उसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, पहले इसको खोल दिया है, इसके अंदर कपड़े लगा दिए हाथ से। इस तरीके से मैं सभी बैग्स को बंद कर दूंगी। इसके बाद में इसका जो लिड है उसको खोल करके इसके अंदर का जितना भी वैक्यूम है उसको निकाल देंगे और हमारे सारे कपड़े इसके अंदर कम जगह में स्टोर हो जाएंगे। इसके अलावा कपड़ों को स्टोर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास वैक्यूम बैग नहीं है, इस तरह के बैग जिसके अंदर हमारी वुलन बेडशीट्स वगैरह आती हैं या ब्लैंकेट्स वगैरह आते हैं, उन बैग्स को भी मैं कभी नहीं फेंकती हूँ और इनका यूज़ कर लेती हूँ मैं इस तरीके से सामान को स्टोर करने के लिए। भी वुलन में स्टोर करती हूँ, उसमें नेप्थलिन बॉल्स को मैं ज़रूर रखती हूँ। वैक्यूम वाले बैग में मैं नेप्थलिन बॉल्स नहीं डालती हूँ। तो अभी देखिए, इनको स्टोर करने का नंबर आ गया। इससे पहले मैंने दोनों मैट्रेस को हटा करके पहले बेड को बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया था, जिससे कि इसके ऊपर की डस्ट वगैरह सब निकल जाए। बेड के अंदर वाला पोर्शन भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, और इसके अंदर मैंने लगाई है प्लास्टिक की एक बहुत बड़ी सी शीट, जो कि मेरे कर्लॉन मैट्रेस की है, और ये मैट्रेस की शीट मैंने तब से फेंकी नहीं थी। इससे मेरे को डबल बेनिफिट है, एक तो नीचे से मॉइस्चर का खतरा नहीं रहेगा, हालांकि हम इसके नीचे कोई पुराना कर्टन कपड़ा वगैरह भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्लास्टिक स्प्रेड करना ज़्यादा सेफ लगता है। इस वजह से मैं इसके अंदर पूरा अच्छे से साफ करके मैंने इस प्लास्टिक को अच्छे से मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है। अब देखिए, वुलन बेडशीट जो होती हैं उनको मैं इस तरीके के एक बड़े बैग में स्टोर करती हूँ। अच्छे से सभी वुलन बेडशीट्स को मैंने वॉश कर लिया है, अच्छे से धूप में सुखा लिया है, उसके बाद में छोटा छोटा अच्छे से कॉर्न मैरी मेथड से मैंने फोल्ड किया और सभी बेडशीट को इसके अंदर रख दिया। और आप मानेंगे, इस बेडशीट के इस बैग के अंदर मेरी 6 बेडशीट्स आई हैं, और वुलन बेडशीट काफ़ी भारी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, लेकिन 6 बेडशीट आराम से आ गई। अब इसके अंदर भी नेप्थलिन बॉल्स रखनी थी, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम नहीं है
वैक्यूम बैग नहीं है, इसीलिए इसके अंदर मैं नेप्थलीन बॉल्स को इस तरीके से कपड़े में कर लिया और रबर बैंड की हेल्प से मैं यहाँ पर बांध दूंगी और एक साइड में रख दूंगी। कपड़े में करने का रीज़न ये है जिससे कि कभी भी स्पॉट वगैरह ना पड़े मेरे बेडशीट के अंदर या किसी भी कपड़े के अंदर। इस तरीके से ये देखिए सारी बेडशीट मैंने एक ही जगह स्टोर कर दी और अब जितने भी मेरे वैक्यूम बैग थे उन सभी के वुलन्स को मैंने इस तरीके से यहाँ पर स्टोर करती जा रही हूँ। अब चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है इसीलिए इसमें से आसानी से दिख जाएगा कि हमने क्या क्या कहाँ कहाँ स्टोर किया है। अगर ये प्रिंटेड हम लेते हैं वैक्यूम बैग, प्रिंटेड भी मिल जाते हैं, अगर प्रिंटेड लेते हैं तो उसके ऊपर हमें स्टिक लगानी पड़ती है या कुछ स्टिक करना पड़ता है जिसकी वजह से हमें आसानी रहे। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से कर दिया और इस तरीके से देखिए छोटी सी जगह में मेरा ढेर सारा सामान आ गया और आधा अभी पोर्शन खाली है। तो इस पोर्शन में मेरा जितना भी बचा हुआ वुलन्स है वो भी मैं बाद में स्टोर कर सकती हूँ। तो देखिए कितनी कम जगह में कितना सारा सामान आ गया। अब बाकी बचा था ये सारा समर्स का सामान, यानी कि समर्स के कपड़े हैं ये ढेर सारे, इनमें से हमें छांटना है। अभी साड़ीज़ छांटनी है, कुर्ती छांटनी है। इस साइड में मैंने रख दिए हैं अपने वुलन ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह, साथ ही साथ यहाँ पर दोहर है अभी मैंने यहाँ पर इसी तरीके से स्टोर किया है। इसको कवर कर दूंगी मैं एक पुरानी बेडशीट से और देखिए आधा पोर्शन अभी बचा है। इस पोर्शन के अंदर मेरे सारे बाकी के बचे हुए ब्लैंकेट जो अभी यूज़ हो रहे हैं वो आ जाएंगे। अब देखिए बेड का ये वाला हिस्सा जहाँ पर हमने बेडशीट और अपने वुलन यहाँ पर स्टोर किए थे, इसमें अभी भी काफ़ी जगह है। इसके वुलन जो बचे थे यहाँ पर मैंने चुन्नी के अंदर अभी कवर करके रखे हैं क्योंकि अभी मैंने कुछ बैग और ऑर्डर किए हैं, जब वो आ जाएंगे तो ये वाले कपड़े भी मैं उसमें करके रख दूंगी। बेड का दूसरा हिस्सा जो था उसके अंदर मैंने यहाँ पर स्टोर किए थे अपने जितने भी ब्लैंकेट वगैरह हैं, इनको मैंने एक पुरानी बेडशीट से कवर कर दिया। और ये बेडशीट DIY बेडशीट है, आप सबके साथ में शेयर की थी मैंने। अगर आपने नहीं चेक किया है तो मेरी DIY प्लेलिस्ट चेक करें, आपको पता चल जाएगा। और अब देखिए पूरा बेड मैंने सेट कर दिया है। बारी थी इन सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने की। ऐसा लग रहा है ना जैसे दुकान फैली हुई है, इसमें से काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे डिस्कार्ड करने हैं। और इस साइड में दूसरे बेड के इस साइड में दिखा रही हूँ मैं आपको, मैं रखती हूँ अपने जितने भी कुशंस हैं, कुशन कवर हैं, बेडशीट हैं और मेरे जो दरी हैं, कारपेट्स हैं, इन सभी को मैं इस वाले पोर्शन में रखती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कवर ऐसे हैं जो मैंने कवर करके रखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कवर मैं कवर में डाल करके नहीं रखती हूँ, अलग से स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कभी भी अपने लिनन को ढूंढना नहीं पड़ता है क्योंकि क्लोज़ेट में जगह कम रहती है, इस वजह से मैं यहाँ पर बेड में स्टोर करती हूँ। जितनी भी बेडशीट वगैरह, कुशन वगैरह जो होते हैं, टेबल रनर हैं, टेबल थ्रो हैं, सोफ़ा थ्रो हैं, टेबल के कवर हैं, ये सभी एक जगह पर आ जाते हैं। तो जब भी मुझे चेंज करने होते हैं इसी एक जगह को, बेड का ये वाला हिस्सा खोल करके मैं यहाँ से सारी चीज़ें एक साथ ही निकाल लेती हूँ और यहाँ पर ही रख देती हूँ। और देखिए निकालना और रखना भी आसान है। तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं, अपने बेड को हिस्सों में बांटें। अगर आपके पास भी दो बेड हैं तो दो बेड में चार पोर्शन हमें मिल जाते हैं। तो मैंने एक बेड में अपने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं जितने भी हमारे ब्लैंकेट और क्विल्ट वगैरह होती हैं वो, दूसरे साइड में मैंने किया हुआ है जितने भी वुलन्स हैं, और दूसरे बेड के पहले साइड में किया है देखिए यहाँ पर जितने मेरे कर्टन हैं, नई बेडशीट, पुरानी बेडशीट और मेरे सोफ़ा थ्रो, यहाँ पर बहुत सारा जितना भी घर में हम स्प्रेड करते हैं सामान, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने इस साइड में रखी हुई हैं और इस तरीके से एक ही जगह पर मिल जाती हैं तो हमें ज़्यादा नहीं ढूंढना पड़ता। अब इसी बेड के दूसरे साइड में मैंने रखी हुई हैं अपनी और अपनी डॉटर की जो भी पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं या साड़ियाँ, ज़्यादातर मेरी साड़ियाँ ही हैं, पार्टी ड्रेसेस तो बहुत ही रेयर हैं इसमें। साड़ियाँ ये देखिए इतनी सारी हैं, इनको मैंने अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, इसके लिए पूरा दिन चाहिए क्योंकि मुझे कॉटन की साड़ियाँ, सिल्क साड़ियाँ और जो डिफरेंट जॉर्जेट वगैरह की साड़ीज़ हैं उनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। फिलहाल तो ये ऐसे ही बैग में भर करके रखी हुई हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन भी करूँगी कभी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये देखिए यहाँ पर इतना तो मैंने कर दिया है सब सेट, दोनों बेड सेट हो गए हैं और इसके बाद में अब बचता है डिस्कार्टेड सामान। तो ये हैं डिस्कार्टेड कपड़े, इनको डिस्कार्ड करने का एक तरीका ये होता है कि
कोई भी कपड़े जो आपने निकाले हैं कि आप इनको डिस्कार्ड करना चाहते हैं, उनको एकदम से निकाल करके, जैसे मैंने यहाँ पर भर दिया है, इनको एकदम से निकाल करके हमें देना नहीं होता है। पहले इनको मैं अलग, अभी तो क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है तो इसलिए मैं इनको पहले सभी कपड़ों को एक जगह बांध करके इकट्ठा करके रख दूंगी, और बाद में इनमें से मैं छांटूंगी कि कौन से कपड़े दिए जा सकते हैं और कौन से कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं या फिर कौन से कपड़ों का मैं DIY कर सकती हूँ। तो कभी भी कपड़ों को डिस्कार्ड करने से पहले आप उनका एक बार और फिर से अच्छे से चेक करें कि क्या हो सकता है। बेड के दोनों हिस्से अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं और अब बारी थी मैट्रेस को डालने की। मैट्रेस डालने से पहले मैंने बेड को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था, उसके बाद में बेडशीट स्प्रेड कर दी। और ये वाले कपड़े जो हैं अभी इनको मैं अच्छे से फोल्ड करके बस यहाँ पर बांध करके रख दूंगी। और इसके बाद में एक क्लोज़ेट ये है मेरी, जिसमें मैंने इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इन कपड़ों को देखिए, यहाँ पर मेरे लगे हैं जितने भी रेयन और कॉटन के सूट्स हैं, और यहाँ पर बॉक्स में मैंने रखे हैं अन्वेषा के और मेरे पार्टी ड्रेसेस। तो इस तरीके से कम जगह में हम ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, आशा है आपको हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।